मैं सोच रहा था आज रास्ते में जाते हुए कॉफी पीते हुए चलेंगे। क्यों, किस खुशी में? और ये आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी? तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाओगी धक्के खाते हुए? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी गाड़ी अब ठीक हो चुकी है। वैसे लिफ्ट देने का इतना ही शौक है तो फिजा को दे दें, काफी आगे पीछे घूमते हैं आप उसके। गॉड, क्या करूं? क्या करूं मैं? वैसे मैं तो कहता हूँ जिस मैकेनिक ने ये गाड़ी ठीक की है उसको गिफ्ट कर दें, उस बेचारे का भला भी हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा। फिलहाल आप मेरे लिए अजाब मत बने। ठीक है, मुझे लगता है कि फॉल्ट काफी बड़ा है। एक काम हो सकता है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, आप सुबह मैकेनिक को गाड़ी दिखा दीजिएगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैं खुद चली जाऊंगी। वो तो मुझे भी पता है कि यहाँ पार्किंग में रात गुजारने का कोई इंतजाम नहीं है, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, अगवा नहीं करूंगा आपको, ट्रस्ट मी। आ जाओ, कम ऑन। मैडम ये कौन बंद करेगा? आइए। बस यही एक काम रह गया था, ये भी संभाल लिया। अरे खाला आप कब आई, मुझे तो पता ही नहीं लगा। हाँ भाई पता चलेगा अभी, तो कैसे मसरूफ जो हो, अभी चाय बनाइए, इसके बाद सालन बनाना है, फिर रोटियों का नंबर है ना। अरे खाला वो दरअसल आज खानसामा नहीं आया। देखो जिसका काम उसी को साजे, और किस मुश्किल में तुमने जान फंसा रखी है। अरे ये घर का किचन है, दफ्तर नहीं तुम्हारा। अरे बस खाला कभी कभी करना पड़ता है। अगर लड़का शादी नहीं करता ना तो तुम कर लो, क्या मुसीबत पड़ी है। खाला कैसी बातें कर रही हैं, मेरी कोई उम्र है शादी की? हाँ अगर सलमान कर ले तो। देखो दुनिया करती है दूसरी शादी, और अगर तुम कर लोगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। और वैसे भी मर्दों की उम्र पूछता ही कौन है। हाय खाला। अरे क्या मुसीबत है, क्यों हाय हाय लगा रखी है? सीधी तरह सलाम दुआ करना नहीं आता क्या? आदाब। देख रहे हो बाप को, एक कप चाय तक नसीब नहीं है, कम से कम शादी कर लो, बाप का ही कुछ ख्याल कर लो, इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। वाह खाला क्या खूब कही, यानी शादी मैं करूं और खिदमत वो इनकी करें। सच कहता हूँ खाला,
अगर पापा को किसी की जरूरत है तो खुद शादी कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। हाय तोबा तोबा, आजकल के लड़के कितने बेबाक हो गए, ना शर्म ना हया। अरे खाला, वक्त बदल गया है, आजकल की नस्ल जो है बहुत बोल्ड और मुंह फट है। हाँ अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आजकल की औलाद बहुत बोल्ड है, फिर तुम्हें क्या मसला है, तुम कर लो ना दूसरी शादी। मेरे लिए आधा घंटा निकालना मुश्किल हो रहा है और उस जनीता को मिन्नतें कर कर के लिफ्ट दी जा रही है। अरे नहीं भाई, मैं तो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था कि अचानक आ गई, कहने लगी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मैंने कहा भी मुझे दोस्त के घर जाना है, नहीं मानी, बैठ गई। अब तुम खुद बताओ मैं क्या करता। ये ना तुम सबके साथ क्यों नहीं करते, सारी मेहरबानियां उस जनीता के लिए क्यों है? तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कि खुशी से ना मर जाते अगर एतवार होता। ओहो, लगता है आजकल शेरो शायरी से काफी दिलचस्पी होती जा रही है। तुमने किस किस से बोला? एक तो मुझे आज तक तुम लोगों की समझ नहीं आई, ये सारी लड़कियां एक जैसी होती क्यों हैं? तुम सब लड़के भी तो एक ही जैसे होते हो। सलमान वो, ओ सॉरी। आ जाओ, वैसे भी हम कोई प्राइवेट बात नहीं कर रहे, फ्री हो तो बता देना। एक्सक्यूज मी, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही थी? नहीं नहीं, रूटीन की बात हो रही थी। बाय द वे, ये सारा फीमेल स्टाफ आपके पास क्यों आता है डिस्कशंस करने? अब मैं क्या करूं, एक अनार 100 बीमार। अच्छा, एक ऐसा अनार जो खा के 100 बीमार पड़ जाए। वैसे अगर आपकी तंजिया गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो काम की बात कर ले। जी जी, मैं इसीलिए आई थी। सिग्मा एंटरप्राइजेस ने कल की मीटिंग कैंसिल कर दी है। अच्छा, क्यों? ये पता करना शायद आपका काम है, वो अगर आपकी प्राइवेट मीटिंग्स खत्म। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मामा अभी 4 घंटे पहले तो बात हुई थी, 4 घंटों में क्या हो गया होगा? अरे भाई, होने को तो एक लम्हा भी बहुत है। मामा, अच्छा बताएं आप सोई क्यों नहीं? हाँ वो जमशेद की माँ आई हुई थी। काफ़ी देर बैठी रही। बेटा तुमने जवाब नहीं दिया। मामा उनको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही क्या? उनके बेटे की उम्र निकलती जा रही है। जल्दी उनको नहीं, मुझे है बेटा, मैं चाहती हूँ ऐसा। जानती हूँ, आपका बस चलता तो आप मुझे बचपन में ही रुखसत कर देती। हेलो मामा, खफा हो गई। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आई मेंट कि मैंने अभी इतना कुछ करना है। नया फ्लैट लेना है ताकि आप मेरे साथ रह सकें। कब तक मामू के घर में रहेंगी? और उससे पहले मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। बेटा क्या करोगी ये सब करके? लड़की का असल घर उसके शौहर का होता है। बस मैंने जमशेद की माँ से अपनी तरफ से हाँ कर दी है, सिर्फ तुम्हारी रजामंदी का इंतजार है। मामा प्लीज। बस मुझे कुछ और नहीं सुनना, 2-4 दिन में फैसला करके बता दो, जमशेद या कोई और। मुझे अपनी जिम्मेदारी जल्द पूरी करनी है। Like
65 points last year. That was basketball. You could have said USC. You could have said a lot of other things besides going to the Aztecs. अव्वल तो जनाब घर पर होते नहीं हैं और होते हैं तो इस टीवी से फुर्सत नहीं मिलती है। अब आपके साथ कितनी गप्पे लड़ाऊं पापा? भाई कौन कहता है कि गप्पे लड़ाओ? मेरी मानो तो शादी कर लो, मेरी बकबक से जान छूट जाएगी। शादी भी कर लूंगा पापा, बस थोड़ा प्रोपोशन हो जाए मेरा। तो मैं कौन सा कल तुम्हारी बारात लेके जा रहा हूँ? भाई देखो ना, मुनासिब सा रिश्ता ढूंढेंगे और बखेड़े होते हैं, टाइम तो लगेगा ना। इसकी जरूरत नहीं है पापा, लड़की मैंने। थैंक यू मामा। नहीं, यहाँ किसको बताना था, और वैसे भी काम से फुर्सती कहाँ मिलती है। हाँ चलें ठीक है, इंशाल्लाह जी खूब धूमधाम से मनाएंगे नेक्स्ट ईयर जी मामा। कोई आया? आई थिंक मामा आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। और यहाँ और ये हैप्पी बर्थडे। लेकिन आपको कैसे पता चला आज मेरी बर्थडे है? नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ तो किसी को भी नहीं पता। इत्तेफाक से चंद दिन पहले ऑफिस में आपकी एक पर्सनल फाइल देखी थी। सीवी पर डेट भी तो होती है ना। आप प्लीज बैठे ना, खड़े क्यों हैं? तुम्हारे लिए। थैंक यू। वैसे एक बात समझ नहीं आई, आज के दिन आप घर पे अकेली? मेरा यहाँ है ही कौन? अपने शहर में होती तो बहुत कुछ करती, वहाँ सब है। यानी हम आपके कुछ नहीं लगते? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा मतलब छोड़े, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, चेंज करें। बल्कि आई थिंक ये सूट भी अच्छा है। हम बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ? भाई आज का दिन सेलिब्रेट करना है ना। नहीं आप बुके ले आए हैं, यही बहुत है। फिर गैरव वाली बात, माना कि हमारी ऑफिस में नहीं बनती, लेकिन कम से कम आज के दिन तो दोस्त बन जाते हैं। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बाहर जाने की आदत नहीं है। तो आज से डाल लो।
जमशेद की माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी उनसे कि मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है। जनीता कम से कम तुम्हें मुझे बता तो देना चाहिए था। मैं क्या बताती आपको, और बात पूछने या बताने से ज्यादा उस एतमाद की है जो जिंदगी भर हर कदम पे सहारा बनता है। मुझे और सलमान को एक दूसरे के साथ ऑफिस में काम करते हुए एक साल हो गया। हाँ ये ज्यादा अरसा नहीं, लेकिन इतना कम भी नहीं कि हम एक दूसरे को जान ना सकें। बेटा कभी कभी हम सारी जिंदगी साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं जान पाते। जनीता मुझे इस बात का दुख है कि तुमने पहली बार मुझसे कोई बात छुपाई। आई एम सॉरी मामा, मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मैं आपसे जिक्र ही नहीं कर सकी। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी, वो तुम्हारा कजन जमशेद, उनकी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? तुमने अपनी माँ को एक आजमाइश में डाल दिया। कौन क्या कहता है, उससे मुझे ना सरोकार पहले था ना अब, और आप भी ऐसी बातों को बिल्कुल अहमियत ना दिया करें। जमशेद और मेरी सोच में बहुत फर्क है, जबकि सलमान आप उनको वैसा ही पाएंगी जैसे आपने सोचा था, वेल क्वालिफाइड एंड वेरी केयरिंग। लेकिन बेटा मामा प्लीज, आप एक दफा सलमान को मिल लेंगी तो मुतमईन हो जाएंगी। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, अगर तुम मुतमईन हो तो और क्या चाहिए। और रहा जमशेद, तो उसकी माँ से मैं माफी मांग लूंगी। थैंक यू मामा, आई लव यू मामा। सलमान और उसके पापा आपसे मिलना चाह रहे थे, आप कहें तो उनको कॉल करूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। जनीता बेटा एक बात पूछूं? जी अंकल पूछें। बेटा ये वाकई तुम्हारी मम्मी है? कोई शक? लगती नहीं है। आप सही कह रहे हैं, अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि मामा मेरी बड़ी बहन है। अच्छा छोड़े, आप लोग प्लीज कुछ ले ना। मामा मैं अभी आती हूँ। देखिए जी, मुझे रिवायती बातें तो आती नहीं है, आप बस ये बताएं कि बारात लेकर कब आए। जी देखे ना, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि थोड़ी तसल्ली कर लें, आप लोग भी अपनी तरफ मशवरा कर लीजिए। अरे अगर रजामंदी पहले ही हो तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। देखे ना, मुझे आपकी लड़की पसंद है और यकीनन आपको भी ये गधा ठीक ही लगेगा। गधा? अरे नहीं नहीं, ये तो कोई फिल्मी हीरो लगता है, मगर फिर भी कुछ वक्त तो चाहिए होता है, आपको तो पता ही है कि शादी के इंतजामात वगैरह। अरे आप किन चक्रों में पड़ रही हैं? भाई देखें, हम सादगी से शादी करेंगे, ना अपने आप को मुश्किल में डालेंगे और ना आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी होगी। दरअसल यहाँ पर हमारा कोई बड़ा नहीं है, इसके मामू ही सरपरस्त हैं, तो उनसे तो मशवरा करना ही पड़ेगा ना। तो बता दीजिए उन्हें, हम 15 दिन के बाद। 15 दिन? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है। चले महीना कर लें, भाई इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों बेटा? जी पापा, जैसे आप लोगों की मर्जी। देखिए आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारे इंतजाम हम करेंगे, आपको सिर्फ शादी में शिरकत करनी है। अच्छा चलें, आप कुछ लीजिए तो ले, मिठाई लीजिए। अरे भाई अब तो मुंह मीठा करना बनता ही है। थैंक यू।
अब तुम खुद बताओ मैं क्या करूं इस हुसन का, लड़कियां खुद फेरी होने लगती हैं। ओहो, फिजा कैसी है? ठीक है, बस हमारी शादी का सदमा है उसे। वैसे उसके 3-4 अफेयर्स का तो मुझे भी पता है, तो उसे किस चीज की कमी है? चलें। हाँ, बस 2 मिनट, मैं जैकेट ले लूँ, चलते हैं। मामा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या चले? क्या हुआ, खैरियत? किसका फोन था? मामा का। तो मामू का इंतकाल हो गया। ओह सॉरी। भाई आप अभी तक हमें गैर समझती हैं, ये घर भी आप ही का है, अकेले कैसे रहेंगे? गैर तो नहीं, मगर बेटी की ससुराल है। अरे ये सलमान आपका बेटा है ना, तो ये घर आपके बेटे का है। आंटी पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं, देखें आप अलग रहेंगी तो सिर्फ आपको ही नहीं जनीता को भी मसला होगा, और वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है, यहाँ 10 लोग भी रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, मगर फिर मगर भाई देखो जो किराया बने ना वो दे देना, बिजली पानी और रोटी का हिसाब हम 1 महीने के बाद कर लेंगे। पापा भाई देखो रियायत बिल्कुल नहीं होगी, मैं 500 रुपए से कम कराया नहीं लूंगा। देखिए आप लोगों को खामखा जहमत होगी, वैसे भी जहां जनीता रहती थी वो जगह अभी खाली है। ओके आंटी, तो डिसाइड हो गया कि आप यहीं रहेंगी, अगर कंफर्टेबल ना हो तो फैसला कर लीजिएगा। हाँ ये ठीक है मामा। गुड बेटा, बेटा तुम इन्हें अपने साथ वाले कमरे में ठहरा दो। जी सलमान आप गाड़ी से सूटकेस ले आए मामा का। आए मामा। क्या बात है पापा, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सब खैरियत तो है? अरे बेटा देखो ना कितना बेरौनक और वीरान था ये घर, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। जी सब समझता हूँ मैं, आखिर आप ही का खून हूँ। मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। अरे आपने क्यों जहमत की? वो दरअसल जनीता सो रही थी, मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। आप बैठे ना, तशरीफ रखें। वाह कमाल कर दिया आपने, तो बहुत अच्छी चाय बनाई, हम तो आज तक चाय के नाम पे उबला हुआ पानी ही पीते रहे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, चाय ही तो है। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चाय इतनी लाजवाब है तो आपके हाथों का खाना कैसा होगा। वैसे जनीता भी खाना अच्छा बना लेती है, बड़ी सुगड़ है लड़की। जी उसने अपनी दिलचस्पी से सीखा है। आप ऑफिस जाएंगे? क्यों खैरियत? बस वैसे ही पूछ लिया था। नहीं बस थोड़ी देर के लिए जाता हूं।
तो बात चाय तक आ गई है, चलें। अच्छा है पापा, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आया करें। खाना लग गया क्या? बस 5 मिनट और। आज मामा ने भगारे बैंगन बनाए हैं। अच्छा, यानी पापा की पसंदीदा डिश। हाँ, पापा ने फरमाइश की तो मामा ने बना दी। कल वो जा रही है ना? अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं जाएंगी। क्या मतलब? भाई देखो ना, पापा की वजह से उनका यहाँ दिल लग गया है। देखती नहीं हूँ कितना खुश हैं दोनों, कैसी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों में। शर्म तो नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? वो तो बेचारी जा रही थी, आप लोगों ने जबरदस्ती रोका था। खैर, अब ऐसा गलत भी नहीं, अगर वो दोनों खुश हैं तो अच्छी बात है। वैसे काफी ख्याल लगती है तुम्हारी मामा मेरे पापा का। आपकी तो ज़हनियत ही ख़राब है, कल चली जाएंगी तो सुकून आ जाएगा आपको। अच्छा चलो कल देखते हैं। हाँ देख लीजिएगा, और आप अपने पापा को भी कह दीजिएगा कि ज़्यादा मिन्नतें करके रोके ना उनको। कैसे मक्खन लगाते हैं, वाह क्या चाय बनाती हो जुनीता की, तो बड़ी बहन लगती हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। चलो चल के खाना खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले भगारी बैगन खत्म हो जाए। चलो आ जाएं। अरे आप बैठो। आप वाकई जा रही हैं? आप लोगों के इसरार पर इतने दिन रुकी रही काफी है। लगता है आप यहां खुश नहीं हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहां रहकर तो मैं अपने भाई का गम भी भूल गई थी। आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर जाने की वजह? अच्छा नहीं लगता, और जनीता का भी यही ख्याल है। जनीता को छोड़े आप बताइए, आप वाकई जाना चाहती हैं? मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, बेटी का घर है वो जो बेहतर समझे। देखो राबिया, मेरा मतलब है आपका उस फ्लैट में अकेले रहना इतना आसान नहीं है। अगर आप चली गई तो ये घर एक बार फिर वीरान हो जाएगा, और मैं एक बार फिर तना। मुझे एहसास है नसीम साहब, मगर मैं अपनी बेटी को परेशानी में नहीं देखना चाहती। उसका घर बसा रहे, वो खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जनीता से बात कर लूंगा, मना लूंगा उसे,
नहीं नसीम साहब, अगर आपकी बेगम होती तो मैं इस तरह महसूस ना करती, मगर ये नामुनासिब है। नसीम साहब क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जनीता, जनीता, सलमान, ये सूप पी लीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। आप तो जा रही थी। मैंने रोका इनको, आपको इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हैं? डॉक्टर साहब चले गए? चले गए। क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, नर्वस ब्रेकडाउन लगता है, कोई गहरा सदमा लगा इनको। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है अचानक? सब कुछ तो ठीक था। मैं क्या कह सकता हूं, दिल का हाल जा तो ये जानते हैं। या अल्लाह। चले, डॉक्टर साहब ने कहा इनको आराम करने दें, जितना ज्यादा आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सलमान। कहाँ गायब थे यार? शादी का मतलब ये तो नहीं इंसान दोस्तों को भूल ही जाए। कहीं नहीं यार, और तुम्हें भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ बातें हैं। 15 दिन का बोलकर गए थे और आज 1 महीने बाद वापस आ रहे हो। 3-4 दिन बाद भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती ना। बस यार, काम का लोड कुछ ज्यादा ही जमा हो गया है। लेकिन सच बताऊं, आज ही सोच रहा था कि तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा। क्यों, डिनर नहीं कराओगे? नहीं यार, फिलहाल तो मुश्किल है। एक्चुअली पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कल जनीता की मामा से बात करते करते अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या मतलब, जनीता की मामा भी साथ रह रही हैं? शादी के बाद वो वापस जाने वाली थी मगर पापा ने रोक लिया। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो साथ रह रही हैं? वाह, कहीं तुम्हारे पापा की तबीयत उनके जाने का सुन के तो खराब नहीं हो गई? हो सकता, क्योंकि जब से वो आई हैं पापा काफी खुश हैं। जाहिर है, आखिर पापा किसके हैं? वैसे ख्वातीन की सोहबत में रहकर तो तुम भी बड़े खिले खिले रहते हो। मैं क्या, सभी रहते, बस जिंदगी का हुसन औरत से ही तो है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ फ्री कब हो रहे हो? बस 2-4 दिन में जरा काम का लोड कम हो जाए, फिर रखते हैं कोई प्लान। बस मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे आप क्यों बाहर आ गए? अरे अब इसकी जरूरत नहीं रही, सब ठीक है। इसका मतलब तबीयत ठीक है बाप की, अब मैं जा सकती हूँ। आप चाहती हैं कि मैं दोबारा बीमार पड़ जाऊँ? अल्लाह ना करे, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही होगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कभी ना जाएं? नहीं नसीम साहब, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं
मैं अपनी वजह से अपनी बेटी पे कोई बात नहीं आने देना चाहती। इस घर से मेरी बेटी का रिश्ता है, मेरा नहीं। अगर आपका भी रिश्ता बन जाए तो? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। आपके इस घर पे आने से मुझे नई जिंदगी मिली है। बरसों पहले सलमान की मां ने मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उस वक्त से लेकर आज तक मैं ये खुश और बेरंग जिंदगी गुजार रहा था। तुम्हारे आने से मुझ में एक बार फिर जिंदा होने का एहसास पैदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं और तुम शादी कर लें। नहीं नसीम साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? हमारे बच्चों के दरमियान मियां बीवी का रिश्ता है और हम? ये हो सकता है, मैंने मालूम किया है। शरी तौर पर कोई रुकावट नहीं है। नहीं नसीम साहब, सिर्फ जायज होना काफी नहीं है, दुनिया के लिए भी काबिल कबूल होना चाहिए। दुनिया से हमने क्या लेना देना है? हम कुछ गलत नहीं कर रहे। बात गलत और ठीक की नहीं, बात है रिश्तों की। मर्द का तो कुछ नहीं जाता, निशाना तो हमेशा औरत ही बनती है। देखो राबिया, जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा नहीं होगा। कुछ दिन लोग बातें करेंगे, फिर सब कुछ भूल भाल जाएंगे। अच्छी तरह सोच लो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अब आपका यहां रहना मुनासिब नहीं, सामान पैक कर लें अपना। लेकिन बेटी, मैंने सब सुन लिया है, आप तैयार हो जाएं, अब आप मेरे फ्लैट में रहेंगी। सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन अगर तुम ठंडे दिल से सोचो। क्या सोचूं? यही कि हम दोनों मियां बीवी के साथ साथ रिश्ते में सौतेले बहन भाई बन जाएंगे। मुझे तो इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। आपको ना हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके पापा आपकी तरह दिल फेंक होंगे। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। क्या बकवास कर रही हो? अगर मेरे पापा दिल फेंक हैं, तो तुम्हारी मामा भी कोई पारसा नहीं है। आप साथ आ रही हैं या मैं अकेले मामा को छोड़कर आऊं? बैठ जाओ बेटा, मैंने तुमसे बात करनी है। सॉरी पापा, मैंने इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं करनी। मैं रिश्ता ही तो बनाना चाहता हूं। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि
मेरी और तुम्हारी माँ की उम्र ऐसी बातों की नहीं है। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी की जरूरत हर उम्र में होती है, और खास तौर पर हमारी उम्र में तो ज्यादा होती है। पापा, आप किसी को भी अपना साथी बनाए, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मामा, ये मुमकिन नहीं। बेटा, अगर मुझे एक औरत की जरूरत होती तो मैं इतने बरस तनहा ना गुजारता। सच बात तो यह है कि तुम्हारी मामा के किरदार और मिजाज ने मुझे बहुत मुतासर किया है। लेकिन पापा, आपके इस रिश्ते के बाद हमारे रिश्ते की क्या हकीकत रहेगी? कितनी अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी और लोग। बेटा, तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा और बातें बनाने का क्या है, लोग तो खून के रिश्तों पर भी बातें बनाते हैं। लोगों की बातों पर रिश्ते बनते और टूटते नहीं है बेटा। पापा, आप क्यों इसकी इतनी मेहनतें कर रहे हैं? अगर इसको रिश्ता कबूल नहीं है तो ना करें। बात पसंद ना पसंद की नहीं है पापा, आप एक आइडियल बाप हैं और बात यहाँ दोहरे रिश्ते की है। लोग कितनी बातें बनाएंगे और हम किस किस को जवाब देंगे? कोई बातें नहीं बनाएगा बेटा। अगर मैं और तुम्हारी मामा मुतमईन हैं, तुम दोनों को कोई इतराज नहीं है, तो किसी को जरूरत नहीं होगी बेटा। देखो बेटा, तुम्हारी मामा को तुम्हारे साथ रहना चाहिए, वो अकेली कैसे जिंदगी गुजारेंगे? और फिर अगर उन्हें एक बेहतर और मजबूत सहारा मिल रहा है तो तुम क्यों फिक्र करती हो? मुझ पर भरोसा करो बेटा। ओह माय गॉड, सिंपली अनबिलीवेबल। तुम्हारे पापा तो तुमसे भी दो हाथ आगे निकले। तुमने जनीता को फंसा लिया और तुम्हारे पापा ने उसकी मामा को। वैसे यार, कम से कम शादी में तो बुलाना चाहिए था। मैं भी तो देखती कि बुढ़ी घोड़ी पर लाल लगाम कैसी लगती है। फजूल बातें मत करो, अब वो मेरी मामा है। हाँ हाँ, और जनीता तुम्हारी बहन, यानी एक टिकट में दो मजे। तुमको ज्यादा मुंह पट्टी हो, शादी उन लोगों ने की, बातें तुम मुझे सुना रही हो। हर आदमी को अपना फैसला करने का इख्तियार होता है। हाँ, ये तो है, लेकिन सोचो अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो उनके रिश्ते कितने अजीब होंगे। ये उस वक्त देखेंगे। एनीवेज, मुझे जल्दी घर जाना है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। ओके, बाय। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो सीरियस ही ले लिया। नहीं यार, तुम्हारी बातों को तो मैं वैसे ही कभी सीरियस नहीं लेता, लेकिन आज वाकई मुझे जल्दी घर जाना है। ओके? हाँ तो चले जाना, बहुत दिन हो गए आउटिंग पर गए हुए, मेरा आइसक्रीम खाने का मूड है, तुम मुझे ड्रॉप करते हुए घर चले जाना। पिज़्ज़ा सॉरी, लेकिन आज मुमकिन नहीं हो सकेगा। एक्चुअली आज मम्मा की सालगिरह है, आज मुझे घर जाना है। मम्मी की बर्थडे, वेरी गुड, तो जनाब केक कटते हुए तालियां बजाएंगे। जाहिर है, सालगिरह में तालियां ही बजती हैं। अरे तो कौन सा ज्यादा टाइम ले रही हूँ, थोड़ा सा घूमते हुए चले जाना। वैसे भी मम्मी की बर्थडे पे पापा का होना जरूरी है, तुम्हारा नहीं। लेकिन फिजा, असल में जनीता। क्या बात है, बड़ी फिक्र है जनीता की। अच्छा चलो, अब टाइम जाया नहीं करो, चल। Thank you.
देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया। अब तक तो आ जाना चाहिए था सलमान को। तुम्हें कुछ बताया था देर से आने का? फोन किया था, मोबाइल ऑफ आ रहा है उनका। कहाँ रह गए थे? पापा ऑफिस में था, एक मसला था जो काफी दिनों से पेंडिंग में था, बस उसमें देर हो गई। बॉस ने बुलाया था या? क्या मतलब है? मैंने आपके ऑफिस फोन किया था। पता चला आप 6 बजे जा चुके हैं। झूठ बोल रहा हूं मैं, बकवास कर रहा हूं। अगर ऐसी बात नहीं है तो आवाज इतनी ऊंची क्यों है आपकी? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। मीटिंग ऑफिस में नहीं, बाहर रेस्टोरेंट में थी। इल्जाम कोई नहीं लगा रहा, तुम खामखा अपना मूड खराब कर रहे हो। ऑफिस में देर तो हो ही जाती है। अरे भाई, हम यहाँ तुम्हारी मम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट करने बैठे हैं और तुम लोग शिकायतों का दफ्तर खोल बैठे हो। अच्छा भाई देखो, दिल ना जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, चलो आ जाओ। छुरी लाओ भाई, छुरी ये ले। क्या सोच रहे हैं? मैं दोनों के बदले हुए मूड के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ मूड को? तुमने देखा नहीं? उसके बाद से दोनों खिंचे खिंचे से नजर आ रहे हैं। आप हमेशा परेशान हो रहे हैं। शादी के बाद अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। नहीं राबिया, बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें बड़ा मसला बन जाती हैं। अरे आप फिक्र मत करें, आज वो नाराज है, कल राजी हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आपको मेरी तारीफ के अलावा और कोई बात नहीं सोचती? सच्ची बात तो यह है राबिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि बेटे के साथ साथ मेरी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। न जाने कौन सी नेकी काम आ गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
कहाँ जा रही हो? ऑफिस और कहाँ? ऑफिस? मेरी लीव खत्म हो गई है, बल्कि एक महीना एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए आज से ज्वाइन कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए। लेकिन तुम जॉब नहीं करोगी? मेरे जॉब करने से आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं पूरा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। एक दफा कह दिया नहीं तो नहीं। अगर घर में ज्यादा बोरियत होती है तो कहीं और जॉब कर लो, लेकिन मां नहीं करोगी। क्या मतलब है? कहीं और जॉब कर सकती हूँ तो यहाँ क्यों नहीं, जहाँ ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ? मुझे पसंद नहीं कि हम दोनों एक ही जगह जॉब करें। शायद आपकी आजादी में रुकावट पैदा होती है। हद से पड़ रही हो तुम। हद से नहीं, हकीकत बयान कर रही हूँ। शट अप। एक दफा मना कर दिया कि तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी। आज शाम को आप ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों? मुझे ज़रा शॉपिंग पे जाना है और ज्वेलर की तरफ भी जाना है। अच्छा भाई, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आना है। जनीता, तुम ऑफिस नहीं गई? नहीं मामा, सलमान ने मना कर दिया। मना कर दी? फिर क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कि मैं इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। चलो तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। कोई फायदा नहीं है पापा, खामखा उनका और मूड खराब हो जाएगा। बहुत सर चढ़ गया है। खैर तुम थोड़े दिन खामोश रहो, मैं मौका देखकर उससे बात करूंगा। जनीता, तुम नाश्ता तो कर लो। नहीं, मेरा मूड नहीं है। कहाँ गुम हो मिस्टर? बात क्या है, आखिर पता तो चले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी कुछ तो पता चले। क्या हुआ? जनीता ने कहीं कुछ ऐसा ही समझो। क्या हुआ है? जनीता यहाँ दोबारा जॉब करना चाह रही है, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ। क्यों? क्या मतलब? पहले भी तो वो यहाँ थी। अब बात और है फिजा, वो हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती, इसलिए मना कर दिया मैंने उसे। ये तो तुमने ठीक किया। पता है, शादी से पहले मैं उसे एक मुख्तलिफ लड़की समझता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो तो खुलती जा रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार था। खैर छोड़ो, जो होना था वो तो हो गया, कोई और बात करो। वैसे जनीता के मामले में तुम इतना परेशान ना हो, जितनी अहमियत दोगे उतना सर पे चढ़ेगी। कुछ समझ में आया? शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, यकीनन। पता है,
बहुत टेंशन हो गई है, ऑफिस में भी और घर में भी। लो तो प्रॉब्लम क्या है, बना लो कोई प्रोग्राम। कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। वापसी कब होगी? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं साथ चलूं? थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, मैं वहां काम के लिए जा रहा हूं, आउटिंग के लिए नहीं। तो तुम काम कर लेना, शाम को आउटिंग कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हें अपना काम छोड़ के आउटिंग के लिए लेके जाऊं। वैसे भी फ्लाइट का टाइम हो गया। Come in, sir. Welcome, welcome. भाई शादी क्या कर ली आपने, तो सबको बुला डाला। बैठे। Thank you, sir. ऐसी बात नहीं है सर, वो नई जिंदगी का आगाज करना है, कुछ वक्त तो लगेगा। हाँ मगर अब तो 2-3 माह हो चुके हैं, अब तुम्हारा क्या प्लान है? कोई मसला है? वो एक्चुअली सर, सलमान ने मुझे इस ऑफिस में काम करने से मना कर दिया। क्यों? पता नहीं, उनका कहना यह है कि हम दोनों अब एक ऑफिस में काम ना करें। लेकिन वो है कहाँ पर? ऑफिस से लीव लेकर गया हुआ है।
उसकी असिस्टेंट फिजा भी 3 दिन से नहीं आ रही, शायद बीमार है। ऑफिस के दीगर स्टाफ पर बहुत बर्डन है। वो सर एक्चुअली एक फैमिली मैटर था, उनको अचानक जाना पड़ गया। तुम खुश तो हो ना? जी सर, सब ठीक है। ओके, अगर तुम्हारा जॉब करने का फिर भी इरादा हो तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। कॉफी लाऊं? नहीं, मूड नहीं है। ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा, मसरूफियत काफी रही, लेकिन वहां जाने के बाद एहसास हुआ कि तुम साथ होती तो बहुत अच्छा होता। बहुत मिस किया तुम्हें। मुझे तो नहीं लगता। क्यों? 3 दिन में सिर्फ 1 बार फोन किया आपने मुझे। वो सिग्नल प्रॉब्लम था। काम में इतना टेंस हो गया था, कई बार सोचा वापसी की टिकट कटाऊं और घर पहुंच जाऊं, लेकिन प्लीज सलमान, मुझे नींद आ रही है। जो कुछ तुमने बताया है बेटा, अगर ये सच है तो बहुत बुरा किया सलमान ने। मैं झूठ नहीं बोल रही पापा। मुझे ऑफिस के लोग अक्सर फोन किया करते थे और सलमान के अफेयर के बारे में बताते थे, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। आज अपनी आंखों से देखा है मैंने। ठहरो सलमान, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। पापा, इस वक्त मैं काफी थका हुआ, कल सुबह बात करेंगे। जाहिर है काफी मसरूफ वक्त गुजारा होगा फिजा के साथ। तुम्हारे सर पर हर वक्त फिजा क्यों सवार रहती है? मेरे नहीं, तुम्हारे हवास पे छाई हुई होती है। तुम खुश रहो उस हराफा के साथ, मैं जा रही हूं ये घर छोड़ के। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? क्या नहीं किया? मुझसे झूठ बोल के, अपनी बीवी से झूठ बोल के इस्लामाबाद गए उसके साथ गुल छर्रे उड़ाने? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे
तुम 3 दिन से लीव पर हो और फिजा भी गायब है। फिजा की बहन को फोन किया तो पता चला वो बीमार नहीं, इस्लामाबाद गई हुई है। क्या ये सच है? पापा, इनसे पूछें ये आज फिजा के घर क्या कर रहे थे। मैंने इनको अपनी आंखों से फिजा के घर जाते देखा है। तो तुम मेरी जासूसी करती रही हो? शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि तुम शादी के बाद बदल जाओगे, मगर तुम। बेटे, इंसान से भूल हो जाती है, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। सलमान, तुमसे गलती हो गई तो तुम इससे माफी मांग लो। जी, गलती हुई है, इससे शादी करके सबसे बड़ी गलती हुई है मेरी। सलमान, मैं बात क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसको इस घर में रहना है तो मेरी बीवी बनकर रहे, मेरी बॉस ना बने। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई रखेल नहीं हूँ कि तुम जहाँ जाओ मुंह मारते फिरो। मैं जा रही हूँ इस घर से, मुझे तलाक चाहिए वरना मैं फुला ले लूँ, लाना भेजती हूँ मैं ऐसे रिश्ते पे। बेटी, जज्बाती फैसला मत करो। मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला कर रही हूँ, मैं इस फरेबी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। जनीता, मामा, दरवाजा बंद नहीं था। बंद होता तो अंदर कैसे आती? वैसे भी हर दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों, मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती? मुझसे जब चाहे मिलने आ, लेकिन और कोई बात ना कीजिएगा। मैं जानती हूँ जनीता, तुम इस वक्त गुस्से में हो। जिंदगी में ऐसे लम्हे आते ही रहते हैं और कुर्बानी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। नहीं मामा, चला गया वो दौर जब औरतों को जानवरों की तरह रखा जाता था। मैं सलमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सलमान के पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी साथ आते, मगर वो उसे अकेले में बात करना चाह रहे थे। बस मामा, मैंने अब इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करनी। मैंने अलहदगी का फैसला कर लिया है। बेटा, ये एक नहीं 2 रिश्तों का मसला है, तुम समझते हो ना? हमारे बाद मैं उस घर में नहीं रह सकती। तो आपको अपनी फिक्र है। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मामा, इसीलिए मैंने आपको कहा था ये शादी ना करें। लेकिन आपको, आपको इस उम्र में भी एक शौहर की जरूरत थी। जनीता, मैं ठीक कह रही हूँ मामा, अब आप जाएं, अपना घर बसाएं और खुश रहें, लेकिन मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। जाएं मामा, जाएं। तावील या एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम्हें, बाप हूं तुम्हारा। इंसान जवानी में गलतियां करता है, लेकिन शादी के बाद संभल जाता है।
मगर तुम तो अभी तक खुद को लाउबाली नौजवान समझ रहे हो। पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जनीता झूठ नहीं बोल रही है। पापा आपको तो उसकी सारी बातें सच्ची ही लगेंगी। आखिर आपकी बीवी की बेटी जो है आप तो उसे ही सच्चा मानेंगे ना। तमीज से, तमीज से। अब वो तुम्हारी मां है। सॉरी पापा, लेकिन मेरी मां वो है जिसने मुझे जन्म दिया। पापा बात को नहीं समझ रहे, ये दोनों मां बेटियां मिलकर हम दोनों को फंसाना चाहती हैं। मैं ये बात समझ गया हूं, इसलिए इस जाल से निकलना चाहता हूं। दुख है मुझे, अफसोस होता है तुम्हारी घटिया सोच पर। शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए। मुझे भी इस बात पे कोई फकर नहीं है। मैंने जो कुछ किया मेरी उम्र का तकाजा था, इसलिए किया। और आपने इस उम्र में इश्क लड़ाकर जो कुछ किया उसका क्या जवाब है आपके पास? जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूं। अगर तुम जनीता से माफी मांगकर उसे वापस इस घर में नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें आग कर दूंगा। इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जनीता से माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। वो आना चाहती है आ जाए, मोस्ट वेलकम, लेकिन माफी माय फुट। जनीता नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई। इम्पॉसिबल। जनीता को तलाक चाहे दे दो मगर मैं उसकी माँ की मौजूदगी में उस घर में नहीं आऊंगी। एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम मुझे बहुत ज्यादा टेंशन दे रही हो। टेंशन की क्या बात है, मुझे तुमसे शादी पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं सुकून चाहती हूँ। शादी के बाद उसकी माँ की मौजूदगी मेरे लिए टेंशन बनी रहेगी। अभी मैं अकेला हूँ, तुम आ जाओ, उसके बाद मैं और तुम उस औरत को घर से जाने पर मजबूर कर देंगे। ना बाबा ना, तुम अलग घर ले लो, जब वो वहां से दफा हो जाएगी तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तुम जानती हो अभी अलग घर की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, और अगर मैं उस घर से चला गया तो हो सकता है कि वो पापा को बेवकूफ बनाकर घर अपने नाम करवा ले। ये सोचना और मसला हल करना तुम्हारा काम है। शादी इंजॉयमेंट का नाम है और मैं अपने इंजॉयमेंट के दिनों में उस औरत का वजूद हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो करना है जल्दी करो वरना। तलाक के पेपर्स। तलाक? किससे पूछ के दी है तुमने तलाक? किससे पूछ? पापा मैं किससे पूछता, वो मेरी बीवी है, फैसला मुझे करना है, आपको नहीं। कम से कम तुम पूछ तो लेते। क्या पूछ लेता पापा, और क्यों? मैं जानता हूं
के इस औरत के दबाव में आकर आप मुझे कभी इजाजत ना देते। सलमान, सलमान तुम हद से बढ़ रहे हो। नहीं बाबा, मैं हद से नहीं बढ़ रहा। एक बात और, मैं फिजा से शादी कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जनीता ठीक कहती थी, लेकिन एक बात याद रखो सलमान, फिजा इस घर में कभी नहीं आएगी। क्यों? क्या ये मेरा घर नहीं है पापा? क्या आपको इस उम्र में भी नई औलाद की तवक्को है? सलमान, क्या कर रहे हो? जवान बेटी पे हाथ उठा रहे? मत कहो इसे मेरा बेटा। मुझे पता नहीं था, मैं बेटा नहीं सांप पाल रहा हूं। ऐसे मत बोलिए, जवान खून है। बस बस बड़ी भी बस, ये चोचले तुम अपने बेडरूम तक ही रखो। तुम तो खुश हो रही होगी कि बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, बल्कि तुम तो ये चाह रही होगी दोनों एक दूसरे का खून करें और तुम और तुम्हारी बेटी इस पूरे घर पे कब्जा कर ले। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो फिर खड़ी क्यों, चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? क्यों सांप बनकर बैठी हो मेरे सीने पर? बेटी का घर तो तुमने बर्बाद कर दिया, अब और क्या चाहती हो? निकल निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से, निकल जाओ। नहीं, उसको क्यों निकाल रहे? मैं ही चली जाती हूं, अब मेरी बेटी आ नहीं रही तो मैं रह के क्या करूंगी? कर सकती हूँ और ना खून खराब है। तो खराब है, ये घर मेरा है, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। मैं नहीं चाहती अब बेटे एक दूसरे के दुश्मन बने, और वैसे भी वो दूसरी शादी कर रहा है। अब मेरे लिए यहाँ रहना नामुमकिन। तुम चली गई तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। खुदा आपको जिंदगी दे, आपने मुझे जितनी खुशियां दी हैं वो मेरी जिंदगी का हासिल है। अगर अब मुझे मत रोकिएगा। राबिया, देखो सब ठीक हो जाएगा। तुम चली गई तो मैं नहीं रुक सकती। आप समझते क्यों नहीं है? मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है। अब खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगर तुम चली गई
मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। और अगर मैं यहाँ रही तो शायद मैं जिंदा ना रहूं। खुदा हाफिज़। वो जो यहाँ रहती थी वो कहाँ है? वो कौन? जनीता? हाँ, जनीता जो यहाँ रहती थी वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट हो गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, कह रही थी पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ। वो आपकी बेटी थी? कौन? वो? हाँ, बेटी भी थी और बहू भी। आप अंदर आए, चाय ठंडा चाना।